हेलो आवाज आ रख हौसला तो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा हर हर बुगली घर घर बुगली माय डियर बब्बर शेरों ना हारूंगा ना हारने दूंगा ना हारने दूंगा ना हारूंगा <coughs> कोटा का शेर है और कोटा का शेर आपको पता है ना चंबल का शेर बहुत खतरनाक होता है ना हारूंगा ना हारने दूंगा प्यारे बब्बर शेरों क्योंकि हमें क्रैक करना है नॉर्थ सेट और नॉर्थ सेट एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है नर्सिंग प्रोफेशन का और नर्सिंग प्रोफेशन के नॉर्थ की प्रिपरेशन के लिए भी बब्बर शेर का बहुत ही भारी होना जरूरी है तो प्यारे बब्बर शेरों आप हमेशा बने रहिएगा और हमेशा एक एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य को भूले बिना आगे बढ़ते रहो <coughs> जितना आप हमेशा अपने गोल को अपने माइंड में अपने विजन को अपने माइंड में रखोगे ना उतनी ही एनर्जी आपके अंदर डेवलप होती जाएगी तो मैं हमेशा आपसे एक ही बात बोलूंगा डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने गोल को हमेशा अपने ब्रेन में लेके चलो अपनी यादाश्त में रखो अपनी मेमोरी के अंदर रखो जब आप अपने टारगेट को लेकर के बहुत एक्साइटेड होते हैं और मेरा टारगेट आपको पता है ना कि मेरा टारगेट है कि आने वाले नॉर्थसेट एग्जाम के अंदर हंड्रेड परसेंट पेपर बैठाना और हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करवाना जो भी आप आज बुगली के ऊपर पढ़ रहे हैं बुगली में पढ़ रहे हैं उन सब के सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेकर के चल रहा हूं तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है दोस्तों आपको कॉपरेट करना होगा आपको सहयोग करना होगा और हर एक उस पुअर स्टूडेंट को जरूर हेल्प करना जो भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता है सीटें बहुत कम है अगर एक सीट आप अपने दोस्त को भी दे दोगे तो कोई कम नहीं पड़ जाएगी प्यारे बब्बर शेरों सीटें बहुत है करीब पांच से छह हजार सात हजार वैकेंसीज आने वाली हैं तो हर किसी को मौका दीजिएगा हर किसी को सपोर्ट कीजिएगा तो चलिएगा आज के सुपर लेक्चर की <coughs> शुरुआत करता हूं प्यारे बब्बर शेरों कल का टेस्ट शानदार रहा वेरी गुड बहुत अच्छा कल न्यूरो का न्यूरो का टेस्ट लेकर मैंने न्यूरो को पैक किया था तो आप सबने मेरी हेल्थ अब ठीक है माइनर चलता रहता है यार इन आपत्तियों से अपन घबराते नहीं है राइट और इनसे घबराना भी नहीं है आपको हमेशा अपने टारगेट को फोकस करना है हर हर बुगली घर घर बुगली क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स और मेरी तबीयत ठीक है बेटा कुशल जैन बिट्टू ठीक है चलता रहता है ये तो लाइफ है लाइफ में परेशानियां ना हो तो फिर वो लाइफ है किस काम की जिंदगी में मुसीबतें तो आती रहती है इन मुसीबतों से हारना तो कायरता होती है और इनसे इनको चूर चूर करके आगे बढ़ना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो याद रखो मेरी जिंदगी में तो कोई ऐसी मुसीबत अभी तक बनी नहीं जो मुझे हरा सकती है कोई मुसीबत नहीं बनी है अब मैं इन सब मुसीबतों से जिंदगी को जीत चुका हूं और कोई मुसीबत कोई परेशानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है दोस्तों <coughs> जब ठान लिया तो करके दिखाना है बस एक जुनून होना चाहिए एक जोश होना चाहिए फिर कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता नमस्कार प्यारे बब्बर शेरों मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुगली स्टूडियो में द वर्ल्ड क्लास लाइव एजुकेशन डियर स्टूडेंट आज मैं आपको फ्रैक्चर पर कुछ एमसीक्यूज और फ्रैक्चर का शॉर्ट में रिव्यू आपको करवाने वाला हूं हर हर बोगली सफलता बहुत बेनिफिशियल हो रही है सर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए डेफिनेटली जो भी आज मैंने आपके लिए चला रखा है जैसे क्लास के अंदर में चार सेक्शन में क्लास को डिवाइड करके आपको पढ़ाता हूँ सबसे पहला आपका होता है मेंटरिंग यानी मोटिवेशन और कुछ सिलेक्शन टिप्स जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि मुसीबतों से कभी हारना नहीं है दूसरा सेक्शन आजकल हम लोगों ने स्टार्ट किया है दोस्तों फास्ट फैक्ट्स और फास्ट फैक्ट्स में आपको वो टेन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव एमसीक्यूज आपको बताए जाते हैं जो एग्जाम में प्रायरिटीज वगैरह से रिलेटेड पूछे जाते हैं फिर हमारा होता है चैप्टर रिव्यू जिसके अंदर हम शॉर्ट में आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बताते हैं और फोर्थ ऑप्शन होता है उस टॉपिक के एमसीक्यूज तो दोस्तों इसी सिक्वेंस में पढ़ना है पांचवी स्टेप होती है आपकी सफलता क्विज और छठी स्टेप होती है आपकी जो इसका मेजर होता है तो मेजर आपका जैसे यूनिट प्रिपेयर होती है फिर मेजर लेता हूं मैं आपका तो वोगली ऐप को जिसने भी रेट और रिव्यू नहीं किया है दोस्तों रेटिंग और रिव्यू जरूर कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना तो चलिएगा लेक्चर शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट आज की देखिएगा सर फर्स्ट रैंक किसकी आया है फर्स्ट रैंक बता देता हूँ चलो आपको रैंक वगैरह के बारे में बता देता हूँ पहले कि रैंक किसका कितना कैसा आया है ये जान लीजिएगा आप बहुत अच्छी बात आपने पूछी है आ, अनिल कुमार की है फर्स्ट रैंक टू सिक्सटी नाइन मार्क्स आए हैं देखते हैं अभी डेली सफलता आपका टेस्ट हुआ था न्यूरोलॉजी का सुपर दो सौ छह बच्चों ने टेस्ट दिया था बेटा कुल आपके बैच में 743 स्टूडेंट है सात सौ स्टूडेंट है जिसमें से 206 प्रेजेंट थे सफलता क्विज में और अर्जुन सीरीज में ज्यादा थे ठीक है ना तो इसमें रैंक में बता देता हूँ सबसे फर्स्ट रैंक पे है बेटा उषा नायक उषा नायक 191.50 स्कोर है इसका 191.50 स्कोर दूसरा रैंक है ज्योति जाटव का तीसरा अंजू का चौथा हरमन का है पांचवा शिवानी का है छठा पूजा का है सातवा मोनिका का है आठवा अंजलि का है नौवा निशा का है और दसवा विनीता का है ग्यारहवा दिव्या का है बारवा व्यास राधा का है नितिका है सोलहवें नंबर पे जाके एक लड़का है राम निवास तो ये बहुत ही अचंभे की बात है कि एक से लेकर पंद्रह रैंक तक कोई लड़का नहीं है बहुत बड़ी बात है अब ये सोचना आपको है बेटा भूपेंद्र वगैरह, ओम <laughs> ये सोचना आप लोगों को है क्योंकि सबको सिमिलर कंटेंट्स वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिमिलर फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसके बाद डिफरेंस आप खुद क्रिएट कर रहे हो और अट्ठारहवीं रैंक पर है विकास चौधरी और फिर इक्कीसवीं रैंक पर है रविंदर मेघवाल चलो बहुत अच्छा एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए इन सबके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं ये लोग और काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ आ, सर मस्कुलो स्केलेटल का सत्ताईस नो इक्कीस का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ दुर्गेश बेटा उस क्रैश कोर्स के अंदर ये लेक्चर अपलोड नहीं हुआ क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो ये लेक्चर आप यहाँ यूट्यूब से कम्प्लीट कर लेना ठीक है ना लड़कियां बहुत पढ़ती है आपको भी पढ़ना चाहिए सबको पढ़ना चाहिए लड़का या लड़की क्या होता है जो भी स्टूडेंट लाइफ में है उस हर किसी को मेहनत करना चाहिए ठीक है ना तो आज ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा आराम आराम से पढ़ाऊंगा बेटा आप बस फोकस करना क्लास के ऊपर तो सबसे पहला सेक्शन हम देखने वाले हैं फास्ट फैक्ट्स आज के फास्ट फैक्ट्स तो देखिए दोस्तों सबसे पहला फास्ट फैक्ट देखिए आप नंबर वन अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इन द केयर ऑफ क्लाइंट विद एक हमारे पास होता है तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर उसको क्या होनी चाहिए तो एक्यूट गाउट वाले पेशेंट को फोर्सिंग फ्लूड एक तो फ्लूड के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको एनकरेज करिए ताकि बॉडी में से ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट हो सके सेकेंड थिंग इज दैट रिलैक्सेशन टेक्निक दोस्तों इसको रिलैक्सेशन टेक्निक माइंड का पीसफुलनेस इसे प्रोवाइड करें डार्क रूम वगैरह जनरल इस तरह की जो मैकेजम्स हम लोग यूज करते हैं और बेड रेस्ट ताकि जॉइंट्स पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े जॉइंट्स की मोबिलिटी की वजह से पेनफुल सिचुएशन पैदा ना हो तो तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है एक्यूट गाउट के केस में फोर्सिंग फ्लूट्स और रिलैक्सेशन टेक्निक और बेड रेस्ट दोस्तों बनाना और ड्राई फ्रूट्स बनाना और ड्राई फ्रूट्स दोनों ही पोटेशियम बहुत हाई क्वांटिटी में रखते हैं तो याद रखना जब कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाई इन द पोटेशियम तो यू विल आंसर सर ड्राई फ्रूट एंड बनाना दे आर वेरी हाई रिच सोर्स ऑफ द पोटेशियम क्रिस्टल क्लियर है बेटा बोलो भाई यहां तक अब देखिएगा मिल्क आइसक्रीम मिल्क आइसक्रीम और योगर्ड इनके अंदर कैल्शियम बहुत हाई मात्रा में होता है वाइन चीज प्रीजर्व फ्रूट्स मीट और वेजिटेबल्स इन सब में टायरामिन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है टायरामिन एक एसिड होता है दोस्तों और टायरामिन आपको पता है ना कि थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है आयोडीन भी और टाइरामिन भी तो ये क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताता हूं उनको आप माइंड किया करो और लर्न कर लिया करो तो टायरामिन के रिच सोर्स होते हैं वाइन है चीज है प्रिजर्व फ्रूट है मीट है वेजिटेबल है वेट लॉस विल डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल एंड डिक्रीज द द स्ट्रेस ऑन दोस्तों तो वेट लॉस करना एक बहुत ही फायदेमंद इंपॉर्टेंट टास्क होगा जिसको जॉइंट्स के प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए वेट लॉस काफी बेनिफिशियल साबित होने वाला है पॉइंट नंबर सिक्स देखिए फास्ट फैक्ट के अंदर फ्लूड प्रमोट्स द एक्सक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड जो हम बता चुके हैं

दोस्तों जो ऑर्थराइटिस का पेशेंट होता है उस पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस रहता है जो लगभग कितने मिनट में रिसोल्व हो जाता है तीस मिनट में तो आपका सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनेगा बेटा कि जो भी रोमेटॉइड ऑर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनका मोस्ट कॉमनली क्या सिम्टम होता है तो मॉर्निंग में स्टिफनेस होता है जॉइंट्स के अंदर और लगभग 30 मिनट में यह रिलेव हो जाता है और रोमेटोड ऑर्थराइटिस की पहचान होती है कि दोनों तरफ के जॉइंट्स में सेम आ, स्वेलिंग होता है यानी स्वेलिंग जो होता है सिमेट्रिकल होता है एंड स्टेन दोस्तों दोनों हाथों के अंदर दोनों तरफ ऑस्टिऑर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्थराइटिस यदि पूछे हम आपसे कि कौन सा ऑर्थराइटिस मोस्ट कॉमन टाइप का ऑर्थराइटिस होता है जैसे कि रोमेटोड ऑर्थराइटिस होता है ऑस्टी ऑर्थराइटिस होता है गाउटी ऑर्थराइटिस होता है दोस्तों ये ऑर्थराइटिस होते हैं अब इनमें से मैं सवाल ये पूछ लू आपसे कि कौन सा मोस्ट कॉमन ऑर्थराइटिस होता है तो याद रखना दोस्तों ऑस्टिथरा सबसे कॉमन टाइप का ऑर्थराइटिस होता है मोस्ट क्लाइंट विद ऑस्टियोराइटिस आर एल्डरली अब दूसरा मेरा सवाल होता है कि ऑस्टिथराइटिस मोस्टली कौन से टाइप के एज ग्रुप लोगों में होता है ज्यादातर तो एल्डरली पीपुल्स के अंदर यह सबसे ज्यादा होता है नेक्स्ट देखिए दोस्तों चैप्टर रिव्यू के अंदर ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर का एक्सरे और आपको जनरल इमेज आपको दोनों को देखना है पहली बात देखते हैं ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर किसे कहते हैं द ब्रोकन एंड ऑफ द बोन प्रोट्रूड थ्रू द स्किन यानी कि जब बोन टूट करके स्किन के बाहर आ जाता है तो उसको हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है कंपाउंड फ्रैक्चर कन्वर्सली अलोज या सिंपल फ्रैक्चर डज नॉट ब्रेक द स्किन दोस्तों दो तरह के फ्रैक्चर यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ एक होता है ओपन फ्रैक्चर और एक होता है क्लोज फ्रैक्चर क्लोज फ्रैक्चर जिसमें स्किन ब्रेक डाउन नहीं होता है उसको क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं लेकिन बोन जो है वो ब्रॉक हो चुका है बट अगर बोन ब्रॉकन के बाद में स्किन पेनिट्रेट करके बाहर आ गया है तो उसको हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं और ओपन का दूसरा नाम है बेटा कंपाउंड फ्रैक्चर क्लियर है ये आपको जनरली ओपन फ्रैक्चर का इमेज बेस्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और एक्सरे जगह आपको देखें तो ये वाला एक्सरे आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है क्लियर हो गया है बेटा अरे भाई बोलो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा एक क्वेश्चन है आपके पास दूसरा इमेज बेस आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग इमेज इस इमेज को देखकर आपको पहचानना है कि ये कौन से पेशेंट का इमेज है गाउटी ऑर्थराइटिस वालों का है ऑस्टियोमलेसिक है ऑस्टियोपोरोटिक है या रोमेटोइड ऑर्थराइटिस है तो दोस्तों ये जो बॉन दिख रहा है इसमें बॉन में आपको जगह जगह पे पोर बने हुए नजर आ रहे हैं और जिस बॉन के अंदर पोर्स बन जाते हैं वो ऑस्टियोपोरोटिक बॉन होता है यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा वाइल द बैक पैकिंग विद यंग ग्रुप अ 17 ईयर ओल्ड फॉल और सस्टेन एन इंजरी टू द लोअर लेग सत्रह साल का बालक है और इसको लोअर लेग का इंजरी हो गया नर्स हु द ग्रुप सस्पेक्ट अ फ्रैक्चर ऑफ द टीबिया टीबिया का फ्रैक्चर हो सकता है टू फ्रैक्चर हाउ शुड द स्प्लिंट। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि स्प्लिंट को कैसे अप्लाई करते हैं कहाँ से अप्लाई करते हैं तो बिलो द नी टू दबो दिप अबो द नी टू द बिलो दिप अबो द एंकल टू बिलो द नी और बिलो द एंकल टू अबो द नी वॉट इज द करेक्ट मैथड फॉर एप्लाइंग द करेक्ट मैथड फॉर एप्लाइंग स्टूडेंट जवाब आपको देना है और सोच समझ कर हाउ शुड द नर्स अप्लाई अंट क्वेश्चन यही पूछ रहा है हाउ शुड द नर्स अप्लाई अस्पलिंट तो ध्यान से देखिए आप और बड़े शाह क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजनल है बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा आप बहुत जबरदस्त आंसर आप लोग कर रहे हैं और मैं सबसे पहले आप सबका आंसर जानना चाहता हूं दोस्तों याद रखना आप सब जो जवाब दे रहे हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है तो देखिएगा सबसे पहली बात करता हूं कि बेलोधनी घुटने से नीचे ठीक है ना और दूसरा आ, हमारा यहाँ पर ऑप्शन है अबोदा हिप हिप के ऊपर हिप अगर मैं आपसे बात करूं तो फ्रैक्चर कहाँ पर है बेटा टीबिया का अब देखिएगा आप थोड़ा सा समझना बात को यह हमारा ह्यूमन है ठीक है ना यह इसकी फीमर है और यह इसकी दोनों बोन से टीबिया और ठीक है ना अब इसको फ्रैक्चर है टीबिया का कहां पर कौन सी बोन फ्रैक्चर है टीबिया ठीक है ना यहां से सपोज करो इसको फ्रैक्चर है यानी कि जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन लास्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था ये जो बताया था आपको मैंने ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर था रेडियस हलना और अभी जो मैं फ्रैक्चर की बात कर रहा हूँ वो टीबिया का फ्रैक्चर है आप तो इतना समझ लो कि टीबिया का फ्रैक्चर है और आपको स्प्लिंट लगाना है तो स्प्लिंट कैसे लगाते हैं स्प्लिंट क्या होता है पहली बात तो ये समझो दोस्तों किसी भी बोन को स्टेबलाइज करने के लिए जो उसके ऊपर हम एक तरह से टैपिंग करते हैं ना जिससे कि उस ज्वाइंट को इमोबिलाईज किया जा सके उसको हम स्प्लिंट कहेंगे ठीक है तो स्प्लिंट कहां पर करेंगे तो देखना आप दूसरा ऑप्शन है अबोदनी यानी अबोदनी ये आपका घुटना है तो इसके अबो यहां से लेकर के टू द द हिप टू द हिप तो कोई ऑप्शन कोई मतलब नहीं है अबो द एंकल ये एंकल है एंकल के ऊपर से लेकर के बिलो द नी बिलो द नी तक ठीक है बिलो द एंकल बिलो द एंकल से लेकर के अबो द नी अबोधनी तो दोस्तों अब आप पहचानोगे कि सबसे बेस्ट मेथड टू तो स्प्लिंट द फ्रैक्चर्ड टीबिया अगर टीबिया फ्रैक्चर्ड है और उसको स्प्लिंट करना है ना तो आपको कहां से कहां तक इसे स्प्लिंट करना पड़ेगा आगे के लिए फ्यूचर के लिए याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मान के चलो दोस्तों कि 99% परसेंट आप लोगों ने इसको गलत किया है तो याद रखना कि आगे वाले टाइम पर ये गलत ना हो ठीक है बेटा तो देखना बेटा जब स्प्लिंट करोगे आप तो कहां से शुरू करोगे एंकल के नीचे से लेकर के और घुटने के ऊपर तक एंकल के नीचे से लेकर घुटने के ऊपर के एरिया को इस तरह से स्प्लिंट करोगे तब जाकर के पूरी टीबिया जो है वो इमोबिलाईज रह पाएगा क्लियर हो गया है ना तो बिलो द एंकल टू द अबो द नी इज द करेक्ट मेथड फॉर अप्लाइंग द स्प्लिंट इन केस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द टीबिया क्लियर हो गया है सब लोगों को इसलिए इसमें फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर 99 परसेंट स्टूडेंट्स ने गलत जवाब दिया था लेकिन कोई बात नहीं आगे के लिए सीख लो आइए सॉल्यूशन क्या कहता है टू एमोबिलाईज अ ब्रोकन बोन अ स्प्लिंट इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट अबो एंड बिलो द इंजरी पहला आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना होगा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिएगा क्या कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब कभी भी स्प्लिंट लगाया जाता है दोस्तों तो स्प्लिंट का पर्पस होता है टू तो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट पहला क्वेश्चन तो टू प्रिवेंट द स्प्लिंट क्यों लगाते हैं टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ जॉइंट ज्वाइंट के मूवमेंट को रोकने के लिए ठीक है बेटा ताकि उस ज्वाइंट में मूवमेंट ना हो अब दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है कहां से कहां तक लगाते हैं तो अबो एंड बिलो द इंजरी जहां इंजरी हुआ है ये टीबिया का इंजरी था तो इंजरी के अबो और इंजरी के बिलो इस लोकेशन पर आपको स्प्लिंट लगाना होता है क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा अंडरस्टैंड ना अबो एंड बिलो द tibia इज लोकेटेड बिटवीन द नी एंड द एंकल अब आपको पता होना चाहिए कि जो tibia है वो किन दो लोकेशंस के बीच में होता है तो नी और एंकल नी और एंकल दोनों लोकेशंस के बिटवीन लोकेटेड होता है Therefore, it इट इज करेक्ट टू अप्लाई द from फ्रॉम बिलो द एंकल टू द अबो द नी ऑल अदर एरिया करेक्टली क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो अर्जुन बन जाओ सलेक्शन पाना है तो अर्जुन बन जाओ क्लियर तो हो गया है बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नाइंटी नाइन परसेंट लोग इसको गलत करेंगे तो इसे मैं टू स्टार का सम्मान जरूर देना चाहूँगा क्लियर हो गया है जब भी ये सवाल आएगा तो अक्सर लोग इसको गलत ही करेंगे क्लियर हो गया है चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए दोस्तों एन एक्सरे ऑफ द इंजर्ड टीनेजर्स लेग रिविल द कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल टीबिया कहां पर फ्रैक्चर हुआ है डिस्टल टीबिया पर अभी बताया था टीबीओ फिबुला <coughs> विच एक्सप्लेनेशन बाय द नर्स कैन बेस्ट हेल्प द क्लाइंट अंडरस्टैंड इंजरी दट है आपको बताना है कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है सिंपलीफाई करूं अगर मैं आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को तो यही होगा कि एक्सरे ऑफ इंजर्ड टिनेजर जब हमने एक्सरे लिया तो दोस्तों आपको पता चला कम्युनिटेड फ्रैक्चर है कहाँ पर है डिजिटल टीविया में है अब आपसे ये कह, कहा जा रहा है कि विच एक्सप्लेनेशन बाय द नर्स कैन बेस्ट हेल्प दिस क्लाइंट अंडरस्टैंड द इंजरी दैट हैज अकर्ड तो बेटा आपको ये बताना है कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है पहला वन बोन एंड इज ड्राइवन इन टू द अदर द बोन इज स्प्लिंटेड इन टू द पीसेस देर इज नो ओपन ब्रैक इन द स्किन अ पोर्शन ऑफ द बोन इज स्प्लिंट अवे what इज द राइट आंसर अबाउट द comminuted fracture? Put your करेक्ट आंसर गाइस Comminuted fracture क्या होता है शाबाश वेरी गुड दोस्तों क्या होता है आइए समझते हैं कम्युनेटेड फ्रैक्चर हम उस फ्रैक्चर को कहते हैं जिसमें जहां जिस एरिया का फ्रैक्चर हुआ है वेरी गुड उस एरिया पर बॉन्स जो है वो स्मॉल पीसेस के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूट जाता है तो स्मॉल पीसेस दिस डेफिनेशन इज करेक्ट फॉर द कम्युनेटेड फ्रैक्चर तो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कम्युनेटेड फ्रैक्चर the bone is splintered into the small pieces crystal clear ho gaya hai to second option is the right answer in this question aaiye doston dekhte hain wugli solution kya kehta hai a comminuted fracture means that there are the pieces fragments ya splinters दोस्तों कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये तीन वर्ड मिल जाएं pieces तो उस फ्रैक्चर का नाम होगा कम्युनिटेड फ्रैक्चर डियर स्टूडेंट अरिया वेर द बोन वॉज ब्रोकन एंड बोन एंड आर ड्राइवन टूगेदर दोस्तों याद रखना इम्पैक्टेड फ्रैक्चर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाती है इस क्वेश्चन में तो जस्ट इम्पेक्टेड फ्रैक्चर इज वन इन विच द बोन एंड बोन एंड्स आर ड्राइवन टूगेदर दोस्तों जब कोई भी बॉन्ड टूटता है और उसके दोनों टुकड़े जो हैं दोनों एंड पार्ट्स हैं दे आर ड्राइवन टूगेदर दिस इज कॉल्ड एज द इम्पेक्टेड फ्रैक्चर क्लियर है सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर इज वन इन विच देर इज नो ब्रॉक इन द स्किन जब किसी भी फ्रैक्चर में स्किन ब्रेक नहीं होती है तो उस फ्रैक्चर को सिंपल या क्लॉज कहते हैं ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर पार्शियली थ्रू वन साइड ऑफ द बोन दोस्तों ग्रीनस्टिक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन द है तो क्या होता है कि वन ब्रोकन वन पार्ट ऑफ द बोन इज स्प्लिंटेड एंड अदर इज द एक्सट्रूडेड तो इन्वॉल्व अ स्प्लिंट दैट एक्सटेंड पार्शियली अल्टेंड वन साइड ऑफ द बोन तो स्टूडेंट चार ऑप्शन हमारे पास है चार फ्रैक्चर की डेफिनेशन आप लोगों को लर्न करना था और जस्ट अ पोर्शन ऑफ द बोन इज स्प्लिंट हवे तो दैट इज कॉल्ड ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर देर इज नो ओपन ब्रैक इन द स्किन तो दिस इज द क्लोज फ्रैक्चर अंडस्टेन स्प्रिं स्प्रिंटेड इन टू दीसिसन बोर्न एंड इज ड्राइवन इन टू दैन दिसम्पैक्टेड क्लियर हो गया है दोस्तों तो चार प्रकार के फ्रैक्चर से रिलेटेड में यहां पर अगर आपके ये ऑप्शन को चेंज कर देता तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि फिर आंसर क्या होता क्योंकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देगा और इसमें यही हरकत करेगा वो क्या हरकत करेगा कि वो यहां से इस ऑप्शन को बदलेगा कम्युनिटेड फ्रैक्चर को बदलेगा और कम्युनिटेड फ्रैक्चर को बदल करके यहां पर बोलेगा ग्रीन स्टिक क्या बोलेगा बेटा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलेगा और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते ही अब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर बोलो बेटा अगर वो यहां से ऑप्शन चेंज करता है तो अब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा गुड क्लियर हो गया है ना तो हमारा आंसर डायरेक्टली कहा जाएगा डी पर यदि अगर वो यहां से ऑप्शन को चेंज करके ये कहता है कि ओपन फैक्चर, क्लोज फैक्चर क्लोज फैक्चर तो अब हमारा आंसर बदल के कहां चला जाएगा क्लोज फैक्चर कहता है तो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर <coughs> समझ में आ गया ना तो एग्जामिनर किस प्रकार से नई वैरायटी डालने वाला है एग्जाम में अनुमान हो गया है आप लोगों को क्लियर हो गया है दोस्तों सॉरी <coughs> कि किस प्रकार से वो <coughs> वैरायटी डालेगा और कैसे हम लोगों को फंसाने की कोशिश करेगा तो ये आपका टू स्टार क्वेश्चन है दोस्तों और फ्रैक्चर से आप ये मान के चलो दो से लेकर चार एम आपके नॉर्थ आपके में आ रहे हैं ठीक है ना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा दो से चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं फ्रैक्चर से और सबसे पहले मैंने वही यूनिट्स लिए हैं जो सबसे डिफिकल्ट होते हैं और हम लोगों को इनके बिना नॉर्थ सेट पास करने की सोचना भी गुना है तो मैं ये पक्की बात कहता हूं कि जिसने आ, सारे लेक्चर्स पढ़ कर के नोट्स बना लिए हैं उसको कोई नोट सेट ऐसा बना नहीं है जो उसको सेलेक्ट ना करे सबसे डिफिकल्ट यूनिट हमने पहले न्यूरोलॉजी बीस लेक्चर में प्रिपेयर किया है और लगभग बीस ही लेक्चर आपके मस्कुलों के होंगे क्लियर हो गया है तो वन बाय वन करके हम एक एक यूनिट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना दोस्तों ये आपकी जिंदगी के फाइनल है अगर माना कि मैं तो इतना कहूंगा कि अगर तुम नॉर्थ सेट भी अगर क्लियर नहीं कर पाए ना अगर तुम नॉर्थ सेट भी क्लियर नहीं कर पाए तो वो वैसे कमी आपकी होगी लेकिन अगर नहीं कर पाए ना तो ये मान के चलो मेरी क्लासेस पढ़ के कोई भी छोटा मोटा एग्जाम आप निकाल लोगे कोई भी एग्जाम निकाल लोगे लेकिन तुम्हारी जॉब लग जाएगी ये पक्की बात है श्योर हंड्रेड परसेंट मैं इस पर आपकी मोहर लगा सकता हूं तुम्हारी जॉब लग जाएगी बस अगर तुम यहां पढ़ रहे हो तो मैटर तो दोस्तों बस जो मैं कह रहा हूं वो करते चलो लेक्चर को पढ़ करके नोट्स बना लो नोट्स बना के जिस प्रकार से जिस पैटर्न में मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं उसी पैटर्न में आपको सीखना है क्लियर हो गया है मेरा सब कंप्लीट है ऑल नोट ऑल लेक्चर बिल्कुल श्योर तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आप हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो थैंक यू ये मेरा फर्ज है बेटा और ये मेरा जोश है ये मेरा जुनून है राइट यानी कि मैंने हमेशा कहा है कि ना हारूंगा और ना हारने दूंगा जो तो मेरा स्टूडेंट है वो मतलब मेरा ही रहे और वो मेरा है राइट चाहे पाँच ही क्यों ना हो मेरी क्लास के अंदर अगर पाँच भी स्टूडेंट मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं ना तो जोश पाँच का होता है तुम तो 97 हो और नाइन्टी सेवन का मतलब नौ हजार सात सौ तो नौ हजार सात सौ का जोश होता है तो प्यारे बच्चों याद रखना कि मेरी क्लास में जो पढ़ रहा है ना उसकी जिम्मेदारी मेरी अदर क्लासेस में जो पढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड

टू ऑपटेन दू परफॉर्म द सर्जिकल प्रोसीजर अब आपसे कह रहा है सर्जिकल प्रोसीजर अगर ऐसे केस में सर्जरी होती है और सर्जरी याद रखना दोस्तों की अगर हमें करना है तो सर्जरी के लिए हम किस से विटनेस लेंगे इनमें से पेशेंट सेल्फ देगा क्या या क्लाइंट का फिजिशियन देगा क्या या क्लाइंट का यूथ लीडर जो देगा क्या या क्लाइंट के पेरेंट्स देंगे क्या शाबाश वेरी गुड हमेशा याद रखना विटनेस उसी का लेते हैं हम विटनेस में प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं जैसे ए बी सी और डी दोस्तों हम विटनेस के केस में प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है विटनेस लेने के लिए विटनेस लेने के लिए प्रायोरिटी ऐसे डिसाइड होती है कि सबसे ज्यादा अधिकार उस पेशेंट पे जिस पर्सन का होता है उससे हम विटनेस लेते हैं ठीक है ना सबसे ज्यादा बस आप ऑप्शन में ये देखो कि सबसे ज्यादा अधिकार जिस पर्सन का उस पैसेंट पर है उससे विटनेस लेंगे तो यहां पर देखो आप सबसे ज्यादा अधिकार किसका है तो सबसे ज्यादा अधिकार है पेरेंट्स का क्लियर हो गया है बेटा तो पेरेंट्स का विटनेस हम लोग लेंगे और इसीलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर तो देखिएगा वोगली सॉल्यूशन क्या कहता है फिजिशियन और हॉस्पिटल पर्सनल शुड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द माइनर क्लाइंट्स पेरेंट और गार्जियन माइनर कैन नॉट गिव परमिशन अंडर द मोस्ट सरकमस्टेंसेस इफ परमिशन इज ऑब्टेंड ओवर द टेलीफोन एट लिस्ट टू पीपुल मस्ट हीयर दर्बल कंसेंट एक और याद रखना बात को अगर कभी भी आप टेलीफोनिक कंसेंट ले रहे हो तो याद रखना कम से कम दो लोग उस टेलीफोनिक कंसेंट को सुनना चाहिए ठीक है बेटा एक नया क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अगर पॉसिबल नहीं हुआ और हम टेलीफोनिक कंसेंट ले रहे हैं तो क्या कंडीशन क्या है फिर जब कभी भी टेलीफोनिक कंसेंट लेते हैं तो कंडीशन क्या होती है उस टेलीफोनिक कंसेंट को आपकी तरफ वाले डिपार्टमेंट के कम से कम दो लोग उस कंसेंट को वर्बली सुनेंगे तब जाके वो मान्य होगा और कोसाइन एज विटनेसेस टू व्हाट दे हियर्ट और उन दो लोगों को ये विटनेस साइन करना है द फिजिशियन रोल इज टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड द रिस्क फ सर्जरी फिजिशियन की जिम्मेदारी बनती है कि पूरा प्रोसीजर और उससे रिलेटेड रिस्क के बारे में एक्सप्लेन करें द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू विफ द कंसेंट आपको ये कंसेंट साइन कराने में आपको विटनेस के तौर पर रहना है

Which nursing एक्शन इज द मोस्ट appropriate रिगार्डिंग केयर ऑफ द client's वैल्यूबल आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है पुट द रिंग इन द बेड साइड स्टेंट टैप द रिंग टू द क्लाइंट फिंगर गिव द रिंग टू द सिक्योरिटी गार्ड टैग द रिंग टू द हॉस्पिटल सेफ अगर पेशेंट सर्जरी के लिए आ चुका है और उसके फिंगर में अभी भी एक रिंग पहन रखी है उसने जो बहुत कीमती है आप क्या करोगे पहला ऑप्शन दिया है कि रिंग को बेट साइड स्टैंड में रख दोगे टैप द रिंग रिंग पे टैप लगा के आप उसको फोल्ड कर दोगे टैप द रिंग गिव द रिंग टू अ सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड को दे दोगे टैप द रिंग टू द हॉस्पिटल सेफ हॉस्पिटल में इसको सेफली रखवा दोगे क्या करोगे तो बेटा जब कभी भी कोई भी पेशेंट का वैल्यूएबल वैल्यूएबल कोई सामान अगर पेशेंट का है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को उसे हॉस्पिटल के अंदर सेफ रखवा देना चाहिए इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो देखिएगा बेटा ज्वेलरी इज प्री ऑपरेटिवली देन आइटमाइज आइडेंटिफाइड और सिक्योर एरिया सच एज द हॉस्पिटल सेफ द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटिंग इन द क्लाइंट रिकॉर्ड द आइटम्स दैट वेकन एंड हाउ दे आर बींग सिक्योर तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है पहली बात तो आपको ये आ, समझ में आ जाना चाहिए कि नर्स इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द पेसेंट दे शुड भी कीप सेफली इन द हॉस्पिटल सेफ और दे ऑल शुड भी डॉक्यूमेंटिंग क्लियर है इन सम हेल्थ केयर फैसिलिटीज द नर्स इज गिविंग अ रिसिप्ट फॉर द This कुछ कंडीशन में कुछ कैसेस में नर्सिस के द्वारा पेशेंट्स को एक रिसिप्ट पे लिख करके भी दिया जाता है साइन करके इन सम हेल्थ केयर क्लाइंट आस्क दैट अ वेडिंग रिंग बी लेफ्ट ऑन द नर्स कैन सिक्योर इट इन द फिंगर और हैंड विद द टैप और स्टिप ऑफ दिंग है और पेशेंट कहता है कि भाई ये मैं नहीं निकाल सकता तो आप क्या करोगे तो याद रखना इफ द क्लाइंट आस्क दैट अ वेडिंग रिंग लेफ्ट ऑन द नर्स कैन सिक्योर इट टू द फिंगर और हैंड विद द टैप और स्ट्रिप ऑफ द गोज दोस्तों ये कंडीशन भी आप याद रखना ज्यादती मत करना पेशेंट के साथ में यदि आपका क्लाइंट है और वो कहता है कि ये मेरी शादी की अंगूठी है मैं इसे नहीं खोल सकता या नहीं खोल सकती आप इसे रहने दीजिएगा तो आप उसके फिंगर पर ही क्या कर सकते हो फिंगर और हैंड विद द द टैप और स्ट्रिप क्लास रिंग हाउे जनरली कंटेन द मल्टीपल और दैट कैन टैप और होल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देर फोर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हम इसको क्यों रिमूव करते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं सॉरी <laughs> <coughs> ज्वेलरीज को रिमूव करने का कारण होता है दोस्तों टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इट इज टू बेस्ट टू रिमूव और सेफगार्ड द रिंग द रिंग इज सब्जेक्ट टू थेफ्ट इफ द लेफ्ट इन द बेड साइड स्टैंड सिक्योरिटी गार्ड यूजुअली आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द कीपिंग ऑफ द पर्सनल वैल्यूएबल्स अनादर अल्टरनेटिव इज टू गिव द क्लाइंट वैल्यूएबल्स टू अ फैमिली मेंबर तो दोस्तों याद रखना हु? हम लोगों को क्या करना है कि कुछ कंडीशंस जो वैल्यूएबल्स को मेंटेन uh, करने से रिलेटेड मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाया है वो आपको हमेशा याद रखना है जब कभी भी आप हॉस्पिटल वर्क कर रहे हैं तो कैसे दोस्तों याद रखना uh, जो रिंग्स वगैरह होती हैं वैल्यूएबल रिंग्स वगैरह वो काफी ज्यादा इन्फेक्शन अपने अंदर रख सकती है और सर्जरी के दौरान उससे इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन यदि अगर वेडिंग रिंग है और पेशेंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको टैप के माध्यम से या गॉस के माध्यम से पैक करके आप रख सकते हो अच्छा इस बार केबीसी में जोधपुर रेलवे की एक सीनियर नर्स बैठी है और आपने देखा क्या सर देखना सर जरूर एक करोड़ जीते हैं शाबाश यार गजब आई प्राउड दैट नर्स आई प्राउड दैट नर्स और बहुत ही सुंदर बात है हमारे प्रोफेशन के लिए नर्सिंग प्रोफेशन की गरिमा बढ़ाने वाली ऐसी नर्स को मैं सल्यूट करता हूँ. राइट तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है चलता रहता है प्यारे बच्चों और आपको भी ऐसा कुछ काम करना है जीवन में जिससे कि मैं आपको सल्यूट करूं क्योंकि मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं आप नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाएंगे मैं आपको सल्यूट करूंगा मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं बस शर्त मेरी इतनी सी है कि आपको नॉर्सेट में अच्छी रैंक के साथ अपना सिलेक्शन प्राप्त करना होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको साकार करके दिखाना होगा क्लियर है बेटा अंडरस्टैंड <coughs> तो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा द क्लाइंट हैज द रिटर्न फ्रॉम सर्जरी विद अ लेग कास्ट पेशेंट सर्जरी से वापस बाहर आया है और लेग कास्ट उस पर लगा हुआ है एंड द नर्स इज असिस्टिंग द क्लाइंट बैक टू बेड याद रखना यू आर असिस्टिंग द पेशेंट बैक टू द बेड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स पोस्ट ऑपरेटिव सर्कुलेशन स्टेटसमिटी जब आप किसी casted extremity को प्यारे बच्चों तो बेटा उस समय आपको कौन सी बात डॉक्यूमेंटेशन करने पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायरिटी देना है एडिकेट न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग मिनिमम पेन ऑन द मोमेंट Vital sign within the normal limit, yeah. No drainage knotted on the cast. <clears throat> Thank you, Vita Princess. Thank you so much. और आप लोगों की दुआ है तो डरने की क्या जरूरत है आप सबकी प्रेयर्स फीलिंग्स मेरे साथ हैं तो कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों जब कभी भी आप किसी क्लाइंट को जब कभी भी आफ्टर किसी क्लाइंट को सर्जरी के बाद आप अगर कास्टेड एक्सट्रीमिटी का असेसमेंट कर रहे हो तो एडिकेट न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग असेसमेंट करना दैट इज द मोस्ट प्रायोरिटी इन दिस केस इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्लियर है बेटा देखिएगा बुगली सॉल्यूशन क्या कहता है इन डॉक्यूमेंटिंग द क्लाइंट्स पोस्ट ऑपरेटिव सर्कुलेशन स्टेटस टू द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी डिटेल्ड न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट इंक्लूडिंग द सर्कुलेशन चेक एंश्योरिंग एडुकेट कैपिलरी रिफिल वार्म एंड पिंक टोस असेंसेशन चेक रिक्वायरिंग द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई द टच And motion check requiring the client to move the toes is a priority. Pan on the movement is to be expected. An assessment of the vital sign or inspection of the cast for drainage are important for the documentation, but are not of the highest priority regarding the circulatory status. So, what is the most important in documenting the post operative circulation status of the affected extremity? The detailed neuromuscular assessment. असेसमेंट करना सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है जिसमें क्या क्या करना है आपको एक तो सर्कुलेशन चेक के लिए आपको क्या चेक करना है बेटा कैपिलरी तो ऑप्शन अगर मैं चेंज करता न्यूरोमस्कुलर ना देकर के अगर मैं ऑप्शन को चेंज करना चाहता हूं तो उसकी जगह में पुटअप कर सकता था दोस्तों एडिकुएट कैपिलरी अगर मैं इस ऑप्शन को यहां से उड़ा दूं तो मैं इस ऑप्शन की जगह अल्टरनेटिवली आपको क्या कर सकता था तो अल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकता था बेटा यहां पर तो याद रखना यहां पर मैं एडिक्वेट कैपिलरी रिफिल यूज कर सकता था ठीक है एंड वार्म और पिंक टोज दूसरा मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या होगा दोस्तों करेक्ट आइडेंटिफिकेशन अगर मैं इसमें क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज चेंज कर दूं और मैं ये कह दूं कि कास्टेड एक्सट्रीमिटी है वॉट विल बी द करेक्ट असेसमेंट आफ्टर द कास्टेड एक्सट्रीमिटी तो क्या होगा करेक्ट असेसमेंट तो दोस्तों हम देखेंगे कि वार्म और पिंक टोज जो है के, वो हल्के वार्म हो और पिंक होने चाहिए थे दोस्तों चेक आपको तीसरा असेसमेंट क्या करना है प्यारे बच्चों उसके जो टोज है उनमें प्रॉपर सेंसेशन है कि नहीं कुछ चुबा के देखो पिन चुबाओ हल्का सा या आप थोड़ा सा चिमटी काट के देखो क्या पेशेंट को सेंसेशन हो रहे हैं रिक्वायरिंग क्लाइंट टू अ प्रायोरिटी तो आपको देखना है कि इसको टच आइडेंटिफाई हो रहा है क्या और क्या ये पैर को मूव करवा रहा है क्या टोज को मूव करवा रहा है क्या क्लियर हो गया है बेटा तो याद रखना क्वेश्चन को केवल इतना सा सॉल्व कर लेना नॉट नॉट सफिशिएंट मेरा जैसा एग्जामिनर हुआ ना तो बैंड बजा देगा सबकी राइट right? अगर पेपर मैं बनाऊं तो बैंड बच जाएगी क्यों बच जाएगी बेटा क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको आ जाते हैं सिंपल फॉर्म में लेकिन जब इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते हैं तब तो फिर हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है और जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की आदत नहीं डालोगे आप तब तक आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे और नॉर्सेट या एनक्लेक्स को क्लैरिफाई करने के पीछे रीजन एक यही होता है कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी <coughs> <coughs> तो यदि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे वो कह रहे हैं कि रिटर्न फ्रॉम द सर्जरी पेशेंट सर्जरी से आया है और उसके लेग कास्ट है एंड द नर्स इज असिस्टिंग द क्लाइंट

यदि मैं इस ऑप्शन को चेंज करूं तो देखना बेटा मैं क्या क्या कर सकता हूं मैं यहां पर इसकी जगह पर क्या कर सकता था वार्म एंड पिंक टोस तो मैं कह सकता था व्हाट आर द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करेक्ट असेसमेंट या व्हाट इज द एक्सपेक्टेड या मैं कहता व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड असिस्मेंट आफ्टर द रिसेंटली कास्टेड एक्सट्रीमिटी इन द रिस एक्सपेक्टेडमेंट क्या होगा तो मैं चाहता तो यहां चार ऑप्शन बना देता वार्म एंड पिंक टोज मेरा एक ऑप्शन होता कूल एंड पिंक टोज मेरा एक ऑप्शन होता वार्म एंड ब्लू टोज मेरा एक ऑप्शन होता कूल एंड ब्लू टोज मेरा एक ऑप्शन होता <coughs> cool क्लियर हो गया बेटा इस तरह से मैं चार ऑप्शन बना करके यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर सकता था दूसरी बात मैं इसी क्वेश्चन को अगर डॉक्यूमेंटिंग तो करना तो आपको पता होना चाहिए कि सर टच का सेंसेशन उसे फील होना चाहिए और जब आप टच करोगे तो वो टोज को मूव करना चाहिए यानी टोज में मोशन प्रेजेंट होना चाहिए तो टोज में मोशन प्रेजेंट हो और टच के सेंसेशन पैसेंट को फील होने चाहिए क्लियर है या मैं इसी क्वेश्चन को कहता बेटा आपसे तो मैं क्या कह सकता था कि जस्ट डियर स्टूडेंट याद रखिएगा पैसेंट का सर्कुलेशन चेक करने के लिए एडुकेट कैपिलरी रेफेल जो है दैट शुड बी असेस्ड आफ्टर द कास्टेड एक्सट्रीमिटी क्लियर है प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना अरे भाई बोलो बब्बर शेरों <laughs> अच्छा केलविश आ गया बेटा तू तू एक तो यार इधर उधर भटका मत कर मुझे पता है तुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तेरे ऊपर और तू शक्तिमान के लिए घूमता फिरता है लेकिन तू टाइम से आ जाया कर ठीक है ना अरे बोल भाई केलविस तुझे ये तो समझ में आ गया ना कि साहू सर ही बुगली सर है <laughs> पहले तो ये बात समझना बहुत कंपल्सरी है उसके बाद तू पढ़ाई समझना पहले तुझे ये समझ में आना चाहिए नेट क्यों नहीं आ रहा तेरे व्यक्ति मानने के बंद कर दिया तेरा नेट ठीक है बेटा गजू बात समझ में आ गई ना अरे बोलो बब्बर शेरों या ना यह या सुनो अरे भाई बोलो यार बब्बर शेरों एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर ना यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या यस yes, हर हर बुगली घर घर बगली जिस दिन नॉर्थ सेट होगा ना उस दिन हर एम्स के बाहर एक ही नारा सुनाई देना चाहिए मुझे यहाँ कोटा में हर हर बुगली घर घर बगली चलिए क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड शाबाश आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप द नर्स नो दैट द मल्टीपल फ्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन इज एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द एम्बोलिज्म सिंड्रोम देखो बेटा टू स्टार यहीं से दे देता हूं मैं इसको और वीआईपी क्वेश्चन भी लिख देता हूं फ्रैक्चर के बाद इसको हो चुका है एम्बोलिज्म सिंड्रोम जेस्ट दैट क्लाइंट इज डेवलपिंग दिस कॉम्प्लीकेशन कौन सी फाइंडिंग ऐसी होंगी जिसको देखकर आप यह बताओगे कि इसको यह कॉम्प्लीकेशन हो चुका है एम्बोलिज्म सिंड्रोम हो चुका है फ्रैक्चर के बाद पहला ऑप्शन है ब्रेडी कार्डिया पैचिस मेंटल स्टेटस चेंजेस हाइपर टेंशन हिमेचुरु यार आंसर आंसर पुट करिएगा प्यारे बबर शरों मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है ध्यान से सोल्व करना अगर एक भी कम टिक किया तो भी गलत मानूंगा और एक भी ज्यादा भी टिक कर दिया तो भी गलत मानूंगा सही तभी मानूंगा जब पूरे बिल्कुल करेक्ट आप टिक करोगे गलत, गलत, गलाझो सिचुएशन को चलो कोई बात नहीं समझना आप बेटा स्पेशली लॉन्ग बॉन फ्रैक्चर के केस में ध्यान से समझना बात को स्पेशली लॉन्ग बोन फ्रैक्चर ठीक है स्पेशली लॉन्ग बोर्न फ्रैक्चर्स के केस में होता क्या है ध्यान से देखना बात को लॉन्ग बोर्न फ्रैक्चर्स के केस में क्या होता है ये है ये लॉन्ग बोर्न है बेटा ठीक है ये लॉन्ग बोर्न का रेड बॉर्न मैरो है ये लॉन्ग बोन का येलो बोन मेरो और ये लॉन्ग लॉन्ग बोन के अंदर फेट का स्टोरेज होता है अब जब कभी भी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होता है ना प्यारे बब्बर शेरों सपोज करो ये फ्रैक्चर हो गया है ठीक है क्या है ये फ्रैक्चर्ड लॉन्ग बोन तो फ्रैक्चर होते ही और यहां की जो फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं फैट जो होती है ठीक है ना दे ट्रेवल्स इंटू ब्लड स्ट्रीम कहां पर आ जाती है बेटा ब्लड स्ट्रीम में आ गई और ब्लड स्ट्रीम में से आने के बाद ये वीनस रिटर्न वीनस रिटर्न कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान देना बेटा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मैटर करेंगे ये वीनस रिटर्न वीनस रिटर्न कहा गया हार्ट में गया कहा गया बेटा हार्ट में तो चलो हार्ट में पहुंचा देते हैं इसको अब जब हमारा वीनस रिटर्न आएगा तो वीनस रिटर्न कहा हार्ट के कौन से चेंबर में आता है ये है लेफ्ट एट्रिया यह है राइट एट्रिया ये राइट वेंट्रिकल और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया यहां आने के बाद यहां से यहां आएगा और यहां से यह सीधा कहां जाता है बेटा लंग्स में ठीक है और जो भी एयर बबल है या फैट ग्लोब्यूल होता है फैट या एयर बबल इसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म क्या कहते हैं बेटा जो हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है वो एयर बबल को हम एम्बोलिज्म बोलते हैं एम्बोलिज्म कहते हैं तो ये एम्बोलिज्म जो है वो ट्रेवल करता हुआ हार्ट के कौन से चैम्बर में आ जाएगा राइट साइड में और राइट साइड जैसे ही इसको पंप करेगा तो कहाँ जाएगा ये लंग्स में और लंग्स में जाने के बाद में ये दोस्तों क्या करने वाला है जो पल्मोनरी वेसल्स हैं <coughs> पल्मोनरी वेसल्स हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें यह रुकावट पैदा कर देगा और जैसे ही पल्मोनरी सर्कुलेशन में रुकावट पैदा होगी ना तो हमारी बॉडी की जो यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां गया यहां आएगा यहां राइट तो अब यहां से इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर यह है दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर यदि अगर एम्बोलस बन जाता है तो लंग्स की जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी राइट right? लंग्स की सप्लाई यदि रिड्यूस हो गई ना प्यारे बब्बर शेरों तो इसकी वजह से हार्ट की जो लेफ्ट साइड की सप्लाई है वो क्या होगी डिक्रीज हो जाएंगी डिक्रीज द ब्लड सप्लाई इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और हार्ट की लेफ्ट साइड में सप्लाई रुका बेटा तो ये होता है एवोटा एवोटा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का अमाउंट कम हो जाएगा और एवोटा में ब्लड सर्कुलेशन अगर कम हुआ ना प्यारे बच्चों तो क्या होगा एवोटा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ यानी पेरीफेरल सप्लाई जो है वो घटेगा तो क्या घट जाएगा पेरीफेरल पेरीफेरल सप्लाई पेरीफेरल सप्लाई घटा मतलब क्या घटा स्ट्रोक वॉल्यूम आप कह सकते हो या कार्डियक आउटपुट आप कह सकते हो बेटा यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आना स्ट्रोक वॉल्यूम घट गया सप्लाई घट गई यानी कार्डियक आउटपुट घट गया तो कार्डियक आउटपुट अगर घटा तो देखना क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि ऐसा होगा तो क्या होगा कार्डियक आउटपुट जब घटेगा तो क्या हाइपर टेंशन होगा क्या नेवर तो क्या होगा बेटा हाइपो होगा हाइपर नहीं होगा इसलिए ऑप्शन गलत गलत हो गया बोलो यार बात समझ गए अगर हाइपोटेंशन हुआ पेरीफेरल सप्लाई अगर घटा तो ब्रेन का जो आउटपुट है क्योंकि आप जानते हो क्या जानते हो सुनो बात को आप जानते हो यहां से जब एवोटा निकलता है यह एवोटा जो है एवोटा से ही कैरोटिड आर्टरी ओरिजिन होकर कहा लेके जाती है सरकु ब्लड को ब्रेन में ये देखो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जाती है yes no? जाती है ना तो जो एवोटा है एवोटा से ही ब्लड सप्लाई कैरोटिड आर्टरी ओरिजिन होती है और ब्रेन को लेके जाती है तो ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई अगर कम जाएगी तो ब्रेन के टिश्यूज के अंदर क्या होगा हाइपोक्सिया होगा हाइपोक्सिया होगा ना और हाइपोक्सिया होगा बेटा तो फिर आप जानते हो कि पेशेंट का क्या मेंटल स्टेटस चेंज होगा अगर हाइपोक्सिया होगा तो क्या पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेंज होगा और रेस्टलेस होगा क्या पेशेंट पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेंज होगा और क्या पेशेंट रेस्टलेस होगा बिल्कुल होगा वेरी गुड तो मेरा एक ऑप्शन तो ये बिल्कुल सही निकल चुका है <coughs> क्लियर है अंडरस्टैंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस या मेंटल स्टेटस चेंजेस या फिर रेस्टलेस दोस्तों इसके बाद अब मैं एक और बात कहता हूं तो जब पेरीफेरल सप्लाई घटेगी पेरीफेरल सप्लाई यदि अगर घटेगा तो क्या पेरीफेरल सप्लाई घटने की वजह से ये जो हमारी बॉडी की पेरीफेरी है सप्लाई अगर घट चुका है तो क्या ब्रेन को नेगेटिव फीडबैक जाएगा ले लूं क्या एक और? अगर सप्लाई यदि घटा बेटा पेरीफेरल सप्लाई यदि घटा तो क्या ब्रेन को नेगेटिव फीडबैक जाएगा और ब्रेन को नेगेटिव फीडबैक जाएगा ना बेटा सप्लाई घटने का हाइपोक्सिया होगा और ब्रेन को नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो ब्रेन कौन से ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगा लंग्स को कि भाई ऑक्सीजन प्रोवाइड कर बॉडी में ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं पहुंच रहा है और दूसरा हार्ट को तो बेटा हार्ट को और लंग्स को यदि अगर स्टिमुलेट करेगा ब्रेन पॉजिटिव फीडबैक देगा तो क्या पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा बोलो यार तो क्या पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ेगा तो बेटा याद रखना इस कंडीशन में होगा पेशेंट को टैकी कार्डिया और इस कंडीशन में होगा पेशेंट को एकेपनिया क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो आइएगा ऑप्शंस पे आता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन थे मेरे पास पहला ब्रेडी कार्डिया था नहीं होगा जबकि होगा क्या पेशेंट को टैकी होगा ना कि ब्रेडी होगा क्लियर है दोस्तों इसके बाद पेशेंट को यहां से मैं कहूं दोस्तों तो हार्ट रेट बढ़ेगी टैकी कार्डिया होगा और साथ के साथ ही ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगेगी यानी डिस्निया होगा तो क्यों हुआ डिस्निया याद रखो दोस्तों क्योंकि फ्लूड का एकुमलेशन होना शुरू होगा राइट साइड में जब भी फ्लूड एकूमलेट होगा ये देखिए राइट right साइड में जब भी फ्लूड एकुमलेट होगा <coughs> तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या पेशेंट को डिस्निया होगा sure होगा सर पेशेंट की बॉडी में राइट right साइड में जैसे ही ब्लड का एकमलेशन होगा दोस्तों बॉडी के ऊपर आरबीसी जो हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में से एस्केप हो करके इंटरस्टिशियल टिश्यूज में कलेक्ट होगा और इंटरस्टिशियल टिश्यूज में कलेक्ट होगा तो उसकी वजह से बॉडी पर रेडिश कलर के पर्पलिश पैचेस अपियर होंगे और जो बॉडी है उस पर एडिमा हो जाएगा ग्रोइन एरिया का एडिमा लोअर एक्सट्रीमिटीज का एडिमा पेरिफेरल एडिमा यानी कि राइट हार्ट फेलियर जैसे फीचर आने लगेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा पेशेंट को और पैचेस भी अपियर हो जाएंगे क्लियर हो गया हिमाचुरिया नहीं होगा तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल मुझे यह आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन से सही ऑप्शन है तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर दोस्तों ये पढ़ाई इस तरह की पढ़ाई की जरूरत होती है ये तो एक कॉन्सेप्ट है हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इसी लेवल से सिखा रहा हूं और जब मेडिकल सर्जिकल को इस लेवल से सीखोगे तो क्वेश्चन एक नहीं हजारों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे एक ही क्लास में जो एक मेरी क्लास होती है ना एक क्लास का मतलब होता है कि आपने जिंदगी का बहुत बड़ा काम कर लिया केवल एक क्लास अटेंड करने का मतलब होता है बेटा कि आपने हजारों क्वेश्चन सीख लिए एक एक कॉन्सेप्ट आपको इतना सिखाता है, है बेटा पैचेस का कारण होता है बेटा कि बॉडी के पेरीफेरल एरियाज में क्ल्यूड का एक्मलेशन होना जैसे मैं बता देता हूं आपको फिर से बॉडी का जो पेरीफेरल एरिया है उसमें अगर फ्लूड एकुमलेट हुआ जैसे ये ब्लड कैपिलरी है और ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज हैं, अब यहाँ पे फ्लूड भरता जा रहा है ब्लड कलेक्ट होता जा रहा है तो ये यहां कैपिलरीज में से एस्केप होकर इंटरस्टिशियल में आके जमा हो जाएगा और इंटरस्टिशियल में आके जमा होगा तो हमारी बॉडी पे दो चेंज आते हैं एडिमा और पैचेस रेड पर्पलिश कलर के पैचेस क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा बोलो यार इस तरह से फैट एम्बोलिज्म अपने सिम्टम्स डेवलप करता है अब देखिएगा करेक्ट आंसर ये थे ही सही। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता देता ट्रोमेटिक इंजरी स्पेशली टू द लॉन्ग नर्स शुड सस्पेक्ट द फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम मैनिफेस्ट दैट फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ साइन सिम्टम जैसे चेस्ट में दर्द होने लग जाएगा डिस्निया होगा टेकी कार्डिया टेकेपनिया होगा फीवर आ जाएगा होगा होगा रेस्टलेस पेशेंट पैचेस होंगे पैचेस होंगे चेस्ट एरिया पर एक्सिलरी फोल्ड्स पर कंजे पर बक्ल मेम्ब्रेन पर और हार्ड पैलेट पर क्लियर हो गया है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नर्स स्टॉप टू असिस्ट इंडिविजुअल हु वॉज इन्वॉल्व इन अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट द विक्टिम एक्सीडेंटिंग नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट एंड वॉज थ्रोन फ्रॉम द कार बेल्ट नहीं पहन रखी थी इसलिए कार से बाहर जाके गिरा विच ऑफ द फॉलोइंग एमरजेंसी मेजर विच वन शुड द नर्स परफॉर्म द फर्स्ट तो आपके पास ऐसा पेशेंट आया है एक्सीडेंट का तो सबसे पहला आपका जो परफॉर्म परफॉर्म होगा आप इमरजेंसी कंडीशन में क्या परफॉर्म करोगे वो पूछा जा रहा है चेक द ब्रीदिंग कवर द विक्टिम विद अ ब्लैंकेट मूव द विक्टिम टू द दर्ब जनरल इमरजेंसी है कार्डियक इमरजेंसी नहीं है हमें यह पहचानना होता है कि कार्डियक इमरजेंसी अगर होता कार्डियक इमरजेंसी के कैस में सीएबी सीक्वेंस हम सोल करने के लिए करते लेकिन कार्डियक इमरजेंसी नहीं है जनरल इमरजेंसी है इसलिए दोस्तों एबीसी परफॉर्म करोगे तो एबीसी में एयरवे और ब्रीदिंग तो ब्रीदिंग हमें दिया हुआ है तो हमें यही सबसे पहला ऑप्शन टेक करना है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो

Asymmetrical chest expansion, expiratory wheezing on the auscultation, cupping of the pink frothy sputum. Would your correct answer do so? <clears throat> वेरी गुड जब कभी भी रिप फ्रैक्चर का केस आता है बेटा तो हमें पता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन पेशेंट को शुरू हो जाता है और पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन के केस में जो पेशेंट के चेस्ट मूवमेंट होंगे ना वो असिमेट्रिकल होंगे यानी असिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इन केस ऑफ द रिप फ्रैक्चर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिप फ्रैक्चर तो असिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन देखिएगा भूगली सोल्यूशन क्या कहता है बेटा रिब एनक्लोज द लंग्स रिप जो है वो लंग्स को घेरे रहती है दिस मेक इंजरी टू द पल्मोनरी सिस्टम द प्राइमरी कॉम्प्लीकेशन एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर क्या होगा दोस्तों इंजरी टू दल्मोनरी सिस्टम इज द प्राइमरी कॉम्प्लीकेशन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वॉट इज द प्राइमरी कॉम्प्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्चर रिप तो फ्रैक्चर रिप का प्राइमरी कॉम्प्लीकेशन क्या जवाब देना है बेटा आपको इंजुरी टू द पल्मोनरी सिस्टम ब्रोकन रिप में पंचर द कोलेप्स अ लंग ब्रोकन रिब जो है वो प्लूरा को इंजर करके और लंग्स को कर सकती है वन क्लासिकल साइन ऑफ द फ्लाइल चेस्ट इंजरी इज अमेट्रिकल और पैराडॉक्सिकल चेस्ट एक्सपेंशन याद रखो प्यारे बच्चों जब कभी भी हमसे बात की जाए फ्लाइल चेस्ट के बारे में तो इसका जो सेकेंडरी uh, कॉम्प्लिकेशन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान होती है वो असिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग Which result in the dyspnea. Although the heart is also in the thorax and somewhat better protection in the center of the chest, tachycardia <coughs> and a weak, thready pulse are more likely to indicate the TK doesn't matter. Kable fly chest injury or symmetrical, paradoxical chest expansion. Next question dekho. Aside from the suspected rib fracture. नर्स uh, आज टोटल क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्चर के हैं और भी होंगी अभी क्लासेज फ्रैक्चर एक दो लेक्चर और होंगे नर्स बोन फ्रेगमेंट प्रोट्रॉम द्लाइंट था ब्लीडिंग फ्रॉम दुंडनिक इज मोस्ट अप्रोप्रियट टू कंट्रोल द ब्लीडिंग ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की बेस्ट टेक्निक क्या होती है बेटा तो सिंपली आपको बताना है प्लस टर्निंग इट अराउंड डायरेक्ट प्रेशर ऑन दुंड कंप्रेस द फेमोर आर्टरी एलिवेट द इंजरी एक्सट्रीमिटी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे अड फ्रॉम अस्पेक्टेड रिप फ्रैक्चर नर्स सी अ बोन फ्रेगमेंट प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द क्लाइंट वेल एज द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द बिच टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रियट टू कंट्रोल द ब्लीडिंग रिब का फ्रैक्चर, रिब फ्रैक्चर का पेशेंट है याद रखना और रिब फ्रैक्चर का नर्स ये बोन फ्रेगमेंट प्रोट्रूड हो चुका है थाई में कहा घुस चुका है थाई में घुस चुका है और इसने क्या कर दिया वुंड से ब्लीडिंग हो रहा है वैसे ही थाई से भी ब्लीडिंग शुरू हो गया तो आपसे कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक टू कंट्रोल द ब्लीड एट दिस टाइम क्या करोगे आप वो समझ के जवाब दो आपका जवाब गलत है किसी का भी जवाब सही नहीं है सबका जवाब गलत है दूसरी क्लास का टाइम हो गया है देखो मैं सोल्व करवा देता हूं <coughs> दोस्तों जब कभी भी आप देखो कि किसी क्लाइंट को आ, ऐसा फ्रैक्चर हो चुका है जिसके केस में हमें ब्लीडिंग कंट्रोल करने की जरूरत है यानी कि कंपाउंड फ्रैक्चर अगर किसी क्लाइंट को हो जाता है तो कंपाउंड फ्रैक्चर वाले पेशेंट केस में आपको क्या करना होता है कंपाउंड फ्रैक्चर में कि उस फ्रैक्चर से ऊपर की जो आर्टरी होती है ना उस आर्टरी को कंप्रेस कर देना होता है जिससे कि ब्लीडिंग को रोका जाता है क्लियर हो गया है तो हमें क्या करना है अप्लाई द कंप्रेस फेमोरल आर्टरी ये मेजर आर्टरी है बेटा जो फ्रैक्चर साइड के ऊपर की आर्टरी है तो फ्रैक्चर साइट के ऊपर की मेजर आर्टरी को आपको क्या करना है कंप्रेस कर देना है जिससे कि ब्लीड ना हो अगर ऐसा करते हो आ, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर तो और टिश्यू इंजरी हो सकती है तो याद रखना सी ऑप्शन सही आएगा भुगली सॉल्यूशन बता देता हूं जल्दी से द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन केस ऑफ द कंपाउंड फ्रैक्चर इज कंप्रेस द मेजर आर्टरी अबो द इंजरी साइट कंपाउंड फ्रैक्चर का पेशेंट अगर आपके पास आ जाए और आपको ब्लीडिंग रोकने का तरीका पूछा गया हो तो आपको एक ही जवाब देना है कि सर आई विल कंप्रेस द मेजर आर्टरी अबो द इंजरी साइट ठीक है डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वे कॉज एडिशनल इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यू सराउंडिंग द फ्रैक्चर अ टर्निक्वेट इज ओनली यूज्ड इफ द ऑल अदर एफर्ट्स टू कंट्रोल द ब्लीडिंग आर अनसक्सेसफुल टॉनिक्विट तब यूज करते हैं जब किसी और तरीके से ब्लीड नहीं रुक रहा हो वेन यूज इज पीरियोडिकली रिलीज टू अलाउ द ऑक्सीजने अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द आर्टरी बट शुड बी डन विद कॉशन टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज टू द बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच आज के लिए बस इतना ही लव यू ऑल विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ थैंक यू सो मच विश यू ऑल द ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें और जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन सबके साथ में क्लास को शेयर करना ना भूलें दोस्तों हर किसी गरीब स्टूडेंट को इतनी बेहतरीन क्लास की जानकारी होनी चाहिए हर किसी नीडी स्टूडेंट को इसकी जानकारी पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो प्लीज आप मेरा ये काम जरूर करें कि हर किसी ने स्टूडेंट तक बेहतरीन क्लासेस की जानकारी पहुंचाए क्योंकि वो इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करे अननेसेसरी समय बिगाड़ करके वो सिलेक्शन से वंचित रह जाता है और फिर हम अपने आप को कोसते हैं कि क्या कारण रहा किस वजह से नहीं सिलेक्ट हुए तो हमेशा याद रखना दोस्तों थैंक यू सो मच